क्लास में एंटर करोगे ना प्रैक्टिकल देने के लिए तो फाइल होगी हाथ में स्माइल होगी साथ में इंप्रेशन ऐसा डालेंगे एग्जामिनर के ऊपर कि नंबर देगा छक्का वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड योर प्रैक्टिकल मैम अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल के अंदर फुल मार्क्स आए तो आज हूँ मैं तुम्हारी प्रैक्टिकल वाली मैम ठीक है तो ये इमेजिन करके आपने ये पूरी वीडियो देखनी है एंड रुडे आई टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर थिंग्स जो अगर आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे तो आपको वो फॉलो करनी है एंड हम बात करते हैं देखो चलो बिगनिंग्स है देखो ये जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है जिसके लिए आप लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो ईच एंड एवरी स्टूडेंट आर फॉलोइंग देयर द्रैटेजीज देयर स्टेप्स गाइडेड बाय मी कि आप लोग अपना जो एम है वहां तक पहुंच जाओ ठीक है तो अब ये बोर्ड एग्जाम्स के पास तक तुम्हारे जो ये एम है उसके पास तक ले जाने के लिए जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें प्रैक्टिकल के नंबर के अंदर फुल मार्क्स मिल जाते हैं तो शूट करके तुम यहाँ पहुंच जाओगे 99 नाइन परसेंट की तरफ तो फर्स्ट शूट करोगे तुम कल यानी कि फर्स्ट टाइम आप गनफायर करोगे जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर नाइनटी नाइन परसेंट एम अगर प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो आप और करीब पहुंच जाओगे अपने नाइन्टी नाइन परसेंट वाले एम वाले पे ठीक है अब ये देखो जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हो तो प्रैक्टिकल में यू ओन इन नीड सर्टन थिंग्स फर्स्ट आप क्या हार्ड वर्क नहीं आपका स्मार्ट वर्क वहाँ पे चेक करा जाएगा क्या सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि तुम्हारे स्मार्ट वर्क पे फोकस करेंगे वो तुम्हार को वो ये देखेंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है दे विल नॉट जज यू ऑन योर यू कैन से दैट राइटिंग स्किल्स एंड नॉर्ट नो दे विल जज यू ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो कैसे बोल रहे हो योर फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ पता होता है एक टीचर को बींग अ टीचर वी नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है खाली टीचर जैसे बचपन में कहते थे नहीं नाउ आई नो अगर मैं किसी बच्चे को देखूँ तो मैं समझ जाऊंगी कि इसको इसका आंसर आता है या नहीं आता है इवन आई कैन अंडरस्टैंड एंड फिर वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है समझिए मेरी बात को तो इसीलिए फर्स्ट थिंग इज योर स्मार्टनेस बिल्कुल ही स्मार्टली आप लोगों को जाना है सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस यू हैव टू वेयर जब तैयार होके जाओगे ना तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी वेयर करके जाना है ठीक है और थर्ड इज योर स्पीकिंग स्किल ठीक है हचखिचा के नहीं बोलना नो विद कॉन्फिडेंस जैसे मैं बोलती हूँ तुम्हारे से ठीक है ऐसे आपको बोलना है क्लास में एंटर करोगे ना प्रैक्टिकल देने के लिए तो फाइल होगी हाथ में स्माइल होगी साथ में इम्प्रेशन ऐसा डालेंगे एग्जामिनर के ऊपर कि नंबर देगा छक्का से ठीक है ना तो यही ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ जाना है फाइल हाथ में दोबारा रिपीट करते हैं फाइल होगी हाथ में स्माइल होगी साथ में इंप्रेशन ऐसा डालेंगे एग्जामिनर पे कि नंबर देके छकास से तो बिल्कुल ही ऐसा वाला सीन आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में क्रिएट करना है नाउ फॉलो द अदर थिंग्स सबसे पहला बिल्कुल नीट एंड टाइडी यूनिफॉर्म पहन के देखना है नहा धो के ये नहीं कि लिप ग्लॉस लगा के आय लाइनर लगा के जा रहे हो वो अपना बाल वाल सेट करके जेल नो no! अ वेरी यू कैन से दैट इन अ डिसेंट मैनर यू हैव टू गेट रेडी अच्छी यूनिफॉर्म प्रेस प्रेस करवा के वैसे तो तुम्हारी यूनिफॉर्म ऐसे ही पड़ी होगी अगर स्कूल नहीं जा रहे थे तो अच्छे से प्रेस करा कर के शूज वूज पॉलिश करके इस तरीके से तुम्हें हमने हमको वेल ड्रेस्ड होकर जाना ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल योर अपियरेंस ठीक है जैसे कि आई ए एस एग्जाम के इंटरव्यूज देखिए तुमने तो जब हम आई ए एस क्लियर हो जाते हैं जब इंटरव्यू होता है वहाँ पे देखा है आपने वो पूरा पैनल बैठते और वो कैसे इंटरव्यू लेते हैं उनका यूट्यूब पर इतनी वीडियोज आती हैं तो समझ लेना वही होने वाला है तुम्हारे साथ में तो तुम्हें भी बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस के साथ अंदर प्रैक्टिकल बात ऐसे करनी है अपने एग्जामिनर से कि भैया तुम्हारे से ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान पूरे स्कूल कैंपस में कोई नहीं है तुम्हारे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है इस तरीके से उनसे तुम्हें बात करनी है जब तुम एंटर करोगे प्रैक्टिकल हॉल में तो दो से तीन बच्चे तुम्हारे साथ में जाएंगे है ना तीन बच्चों का ग्रुप बना देते हैं तुम सब लोग जाके सबकी बारी आती रहती है उनके पास वाला जो टेबल है उस पे जाके बैठ जाओगे आपने इंप्रेशन भी दे दिया और कॉन्फिडेंस भी हमने देख लिया तुम अपने मैम के सामने जाके बैठोगे अब सपोज करोगे तुम्हारी जो एग्जामिनर है उसने तुम्हारे से पहले जिस बच्चे का नंबर था उससे कोई क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता था तुम डर जाओगे तुम्हारे फेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए कि तुम्हें वो आंसर नहीं आता है दे आर द टीचर्स दे विल चेक दैट उन्हें समझ में आ जाएगा कि तुम उसका क्वेश्चन सुन के डर गए हो और फिर वो तुम्हारे से उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेंगे समझ रहे हो तो जो तुम्हारा जो बराबर वाला जो रोल नंबर वाला बच्चा होगा उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा चाहे तुम्हें आता हो चाहे तुम्हें नहीं आता हो तुम्हें वो अपनी शक्ल पे शो नहीं होने देना ये बात तुम्हें कोई बताएगा नहीं आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग ठीक है मुझे पता है ये सब बातें तो जब तुम चार बच्चे घुसे हो सीट पे जाके बैठ गए मैम क्वेश्चन पूछ रही है तुम्हारा फ्रेंड है उससे पूछा क्वेश्चन उसे नहीं आता और तुम्हें भी नहीं आता बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया तो वो चीज़ शक्ल पे नहीं देखनी चाहिए ठीक है तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठना है दस का तो हो गया काम अब वो आएंगी तुम्हारे ऊपर तो मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें अपने फेस पर डर नहीं दिखाना है अब तुम्हारी बारी जब आएगी वेरी चार्मिंगली विद स्माइल ऑन योर फेस यू विल ग्रीट योर टीचर ग्रीट करना है गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग सर वेलकम टू आर स्कूल आई एम सिमरन जहानी हेलो हाउ आर यू बात करना मना नहीं है यही चीज़ वो चेक करते हैं तुम यू बैठे हो क्या पूछेंगी नहीं ये नहीं हेलो मैम गुड मॉर्निंग हाउ आर यू वेलकम टू आर स्कूल नाइस टू मीट यू बोल देना यही तीन नंबर ना तीन नंबर एक्सप्रेशन जो भी आपके जितने भी है तीस के तीस देकर जाएगी जब तुम उन्हें ढंग से ग्रेड करोगे देन हैंड ओवर योर फाइल ठीक है उनको अपनी फाइल को हैंड ओवर करना और जो तुम्हारी फाइल है उसके बहुत ज्यादा देखो फाइल के ना मैटर कंटेंट वो हल्का बहुता देखेंगे फिर उसमें से रिलेटेड तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे है ना और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी बरकम क्वेश्चन पूछेंगे कई बार तो जस्ट दे आस्क यू टू एक्सप्लेन योर फाइल दैट व्हाट यू हैव मेड व्हाट रिसोर्सेज यू हैव यूज्ड बेबलियोग्राफी पढ़ के जाना यानी कि हो सकता है तुमने तो अपने दोस्त से कॉपी करी हो पूरी की पूरी हो सकता है तुम्हें तो स्कूल ने पुरानी फाइल दे दि हो सकता है तुमने गूगल पे इधर उधर से साइटों से कॉपी मारा हो सब कुछ जो कुछ भी आपने करा है बट जो तुम्हारा टॉपिक है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है तो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड तीन बुक्स उसको हम कहते हैं बेबलियोग्राफी ठीक है तीन बुक्स जो है रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट तीन बुक्स जो है रिलेटेड टू अगर आपको फिजिक्स का कोई बच्चा है कुछ भी जो बुक्स होती है ना रिलेटेड वो पढ़ के जाना आज द क्वेश्चन आपकी फाइल देखने के बाद दैट वॉट व रिसोजी फॉर मेकिंग दिसल बनाई है तो आपने किन किस को रेफर करा तो यू विल से आई आस माई टीचर माई टीचर हेल्प मी प्लस दिस सो एंड सो बुक्स दो तीन बुक फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा तो फिजिक्स से रिलेटेड तीन बुक पढ़ के जाना केमेस्ट्री का होगा तो केमेस्ट्री की वो जो भी आपका जो प्रैक्टिकल होगा उससे रिलेटेड अकाउंट्स का है आपका तो सो एंड सो बुक को अपना बता के जाना उनको कि दैट आई प्रिपेयर फ्रॉम दिस बुक आई प्रिपेयर फ्राम दिस बुक तो ये

मैंने पूछा तुमसे क्वेश्चन एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट तुम्हें आता नहीं है तो मैं एग्जामिनर तुम बोलोगे आई एम सॉरी मैम आई एम स्लिपिंग दिस कॉन्सेप्ट बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेट मी एक्सप्लेन यू बस ये जब तुम उन्हें बोलोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उनको एक्सप्लेन कर देना दो तीन लाइन में वो तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस देकर कहेंगे बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल दैट विल शूट यू टू योर एम नाइनटी नाइन परसेंट तो एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने प्रैक्टिकल एग्जाम में 99% मार्क्स तक पास जाने के लिए उसके फुल मार्क्स लाने के लिए अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या आज डिस्कस करा है तो ये सब हटा दूं डिस्कस करें फिर से चलो अब तुम मुझे बताओगे दैट हमने क्या क्या डिस्कस करा है ये ट्वेल्थ एंड टेंथ के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि जब आप क्लास में एंटर करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ और वो जो मुहावरा मैंने तुम्हें बोला है उसे याद कर लो सबसे पहली चीज़ क्या है योर कॉन्फिडेंस सेकेंड क्या है योर इम्प्रेशन कि तुम अच्छे से तैयार होके जाओगे थर्ड चीज़ क्या है योर स्पीकिंग स्किल कि तुम हिचकिचा के हकला के आ, 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 करके नहीं बोलोगे तुम्हें अटकना नहीं है बीच में फोर्थ थिंग क्या होगी तुम्हारी कि जब तुम चार बच्चों के साथ अपने एग्जाम हॉल में एंटर करते हो और तुम्हारे बराबर वाले से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसका तुम्हें आंसर नहीं आता है, तो तुम ऐसी अपनी शक्ल पे नहीं दिखाओगे तुम तब भी ऐसा ही रहोगे कि कोई बात नहीं हमें हाँ, तो अपने वाले का आंसर पता होगा बिकॉज अगर तुम्हारी शक्ल पे ऐसा एक्सप्रेशन होगा ऐसा वाला कि ये ये क्या पूछ लिया तो वो तुम्हारे से उससे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन पूछेंगी मेरे से लिख कर ले लो इस बात को डन अब क्या है जब आप उनको अपनी फाइल हैंड ओवर करोगे यू विल ग्रीट योर टीचर उनको अच्छे से आप ग्रीट करोगे डन अब हमने लास्ट थिंग क्या डिस्कस करी कि सपोज तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है किसी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं आता है तो यू विल कैन टेल यू अबाउट कर देना है And उसको अच्छे से बता के वो आपको परमिशन दे, दे देंगे ठीक है और वो तुमार को फुल मार्क्स भी दे, दे देंगे ठीक है तो फॉलो दिस स्टेप्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड फिर मैं आपसे बात करूंगी आपके रिजल्ट वाले डे पे जब थर्टी 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 तुम्हारी मार्कशीट पे दिख रहे होंगे डन सो लेट्स इन द वीडियो बेस्ट बस फॉर योर बोर्ड एग्जाम इफ यू नीड एनी अदर गाइडेंस रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल एग्जाम आई एम हेयर टू गिव इट टू यू कोई क्वेरी है अभी भी आपको टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज इस चीज में मैं आपकी और वीडियो भी बनाऊंगी यू कैन टेल मी डाउन योर प्रैक्टिकल डेट्स दैट इज इट को ये प्रैक्टिकल इज दट को ये प्रैक्टिकल एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इज दैट आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा हुआ था दे इज नो नीड टू वरी इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज इन योर माइंड टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बाय बाय टेक केयर एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो